मार्वल के शुरुआत के जो तीन फेजेस थे, उन तीन फेजेस में जो मूवीज बनी थी, उन मूवीज में एक प्रिडिक्टेबल रिदम था। यानी हम आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, इन मूवीज के बाद हमें एवेंजर्स की एक टीम अप फिल्म देखने मिली थी। जब फेज वन का एंड हो रहा था, तब हमें मार्वल की द एवेंजर्स मूवी देखने मिली थी। उसके बाद सेकेंड फेज के एंड में हमें मार्वल की एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देखने मिली थी, और मार्वल की इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने फेज 3 का एंड किया था। इन सारे फेजेस के एंड में हमें एवेंजर्स की टीम अप फिल्म देखने जरूर मिली थी। इस फेज के अंत में हमें क्यों एवेंजर्स की टीम अप फिल्म देखने नहीं मिली, क्या ऐसे रीजन थे जिसके कारण हमें 2 या 3 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एवेंजर्स की टीम अप फिल्म हमें देखने मिलेगी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के जो फैन हैं, उनके लिए ये बात एक शॉक की तरह है कि फेज 4 का एंड ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर इस मूवी के साथ होने वाला है। ये बात हम समझ सकते हैं कि थैनोस की चुटकी बजाने से जो आधा यूनिवर्स खत्म हुआ था, उसकी वजह से एमसीयू अभी भी रिकवरी मोड में चल रहा है। इसीलिए एवेंजर्स ने एक ब्रेक लिया है। ये ब्रेक जल्द ही खत्म होने वाला है, इतना जल्दी ही नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, 2 या 3 साल लगेंगे, लेकिन होगा ज़रूर। आज से एक हफ्ते पहले मार्वल का सैन डिएगो में जो कॉमिक कॉन प्रेजेंटेशन हुआ था, उस प्रेजेंटेशन में हमें एवेंजर्स के आने वाली 2 मूवीज़ के नाम पता चले है। पहली है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और दूसरी है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। ये दोनों मूवीज 2025 में रिलीज होने वाली है। फेज 6 की फुल डिटेल्स हमें पता नहीं है, लेकिन इस फेज की शुरुआत फैंटास्टिक 4 मूवीज़ के साथ होने वाली है, और एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स ये दोनों मूवीज़ फेज 6 की कंक्लूजन की तरह हमें देखने मिलेगी। फेज 4, फेज 5, फेज 6 ये तीनों फेज द मल्टीवर्स सागा इस नाम से जाने जाएंगे। इस कॉमिक कॉन में जो प्रेजेंटेशन हुआ था, उसकी वजह से मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स का स्ट्रक्चर पूरी तरह समझने में मदद हुई है। जैसे कि मार्वल की मूवीज़ इंडिविजुअल कॉमिक बुक की स्टोरी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है और एक पूरा फेज तैयार करती है। पहली 12 फिल्म को हम इन्फिनिटी सागा में ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद की मूवीज़ मल्टीवर्स सागा में आती है। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसकी वजह से मार्वल की एक भी मूवी इधर की उधर हुई तो सारी बात बिगड़ सकती है। इसलिए मार्वल को इसी स्ट्रक्चर की प्लानिंग की तरह मूवीज़ रिलीज करनी पड़ती है। तो हम अपने सवाल पर आते हैं कि क्यों हमें फेज 4 में एवेंजर्स की टीम अप फिल्म देखने नहीं मिली। क्या कारण था कि हर फेज के एंड में एक एवेंजर्स मूवी इस इक्वेशन को तोड़ना पड़ा? इसका जवाब तो केविन फाइगी और मार्वल के डिसीजन मेकर्स को ही पता हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा अंदाज़ा लगा ले तो हमें ये बात क्लियर होती है कि इसके 2 मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना बढ़ चुका है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कौन सी मूवी और कौन सा कैरेक्टर कहाँ फिट बैठ सकता है। मार्वल की जब शुरुआत हुई थी, तब हमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर, ये 4 ही एवेंजर्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे। उस वक्त ये प्रेडिक्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं था कि इन कैरेक्टर्स का आगे जाके क्या होने वाला है। शुरुआत के एवेंजर्स फेज को देखते हुए अब इतनी मूवीज और सीरीज आई है कि मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स पहले से 4 गुना बड़ा हुआ है, और ये यूनिवर्स जितना बढ़ रहा है उतने ही सवाल पैदा कर रहा है। मार्वल वाले सारे कैरेक्टर्स को एमसीयू के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम इटर्नल्स और शैंगची को देख सकते हैं। कौन एवेंजर्स की सेना में है और कौन नहीं, ये समझने में एमसीयू लगा है, और ये काम इतना पेचीदा है कि इसका जवाब ढूंढते ढूंढते 2 फेजेस यूं ही निकल जाएंगे। इतना ही नहीं, एवेंजर्स ऐसी एकमात्र सुपर हीरो टीम नहीं है कि एमसीयू को आगे बढ़ा सकती है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये पहला नॉन एवेंजर स्क्वाड है जो पहले फेज 2 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब इटर्नल्स भी नॉन एवेंजर की स्क्वाड में आते हैं, और आने वाले थंडरबोल्ट्स भी नॉन एवेंजर स्क्वाड में से एक है, और इससे फैंटास्टिक 4 भी कनेक्टेड है, और मार्वल वाले एक्समैन को भी इतने मैसिव यूनिवर्स में फिट बैठाने का नामुमकिन काम कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें एवेंजर्स फिल्म फेज 4 के एंड में देखने नहीं मिली है। इसका दूसरा और ज़्यादा लॉजिकली रीज़न है इस फेज का नाम। जैसे कि मैंने बताया कि फेज 4 से मल्टीवर्स सागा शुरू होता है, और इतना बड़ा है कि इसकी झलक हमने लोकी के पहले सीजन में और डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखी है। मल्टीवर्स की वजह से इन्फिनाइट डायमेंशन हमें देखने मिले थे, और एमसीयू में कहानी बताने की इतनी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम एक्समैन के कैरेक्टर से मिल चुके हैं, अगर वो अर्थ 616 पर आते हैं तो वो भी एवेंजर्स में आ सकते हैं। फाइनल विचार में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम अभी भी एक प्रॉपर कंसिस्टेंट एवेंजर्स लाइनअप से कोसों दूर है। इसकी वजह से कई और सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि क्या थॉर, ब्रूस बैनर, स्कॉट लैंग, क्लिंट बार्टन,
ये और इनकी तरह कई एवेंजर्स सिर्फ नाम के लिए एमसीयू में रहेंगे। गार्डियंस, फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स, इनका लीडर एवेंजर्स की टीम में से ही कोई हो सकता है। और कौन से नए कैरेक्टर है जो पुराने एवेंजर्स की जगह लेने वाले हैं। इसकी वजह से हमें फेज फोर में और फेज फाइव में एवेंजर्स की टीम अप फिल्म देखने नहीं मिली है। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक मूवीज़ और सीरीज़ देखते रहिए। बाय बाय।